integrate it. Add wings to your career. Hello guys, welcome back to our channel Integrate It. देखो, अपन ने सॉम में रिफ्लेक्शन, शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट और ये सब अपन ने कर दिया था. आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कॉलम्स. ठीक है, ये राजस्थान जेई और SSC जेई दोनों एग्जाम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो इसीलिए अपन ने ये पहले ले लिया है ताकि अपना सिलेबस अच्छे से चलता रहे और तुम्हें भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहे. अच्छा, हमसे भी क्वेश्चन हो रहे हैं, अपन ने प्रैक्टिस भी करते थे क्वेश्चंस की. ठीक है, वो सीरीज अपनी अलग चल रही है. आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कॉलम्स. ठीक है, अब कॉलम्स होता है, अब जैसे अपन ने डिफ्लेक्शन और शियर फोर्स किस पे निकाले थे, अपन ने कॉलम्स पे तो नहीं निकाले थे, किस पे निकाले थे, बीम्स पे निकाले थे. वो बीम्स क्या होती है, वो बीम्स क्या होती है, उसमें क्या आते हैं, बेंडिंग मोमेंट आते हैं. अपन फ्लेक्शन मेंबर की तरह डिजाइन करते थे, याद करो. ठीक है, तो उसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का अपना सारा रोल था. अब ये क्या है, कॉलम्स है. अब जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर है तो किस पे सपोर्ट होता है, कॉलम्स और बीम्स, उसके बाद स्लैब्स बनती है. ठीक है, तो बीम्स तो हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं हमारी बिल्डिंग के वो क्या कहलाते हैं, कॉलम्स. ठीक है, एकदम आसान. अब कॉलम्स ये तो पता चल गया मेरे को कि वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, अब उनके ऊपर लोड कौन कौन से आएंगे और कैसे कैसे आएंगे. तो देखो यहाँ ये मेरी कोई एक फ्रेम है. ठीक है, ये एक फ्रेम है इस टाइप में और यहाँ ये मान लो नीचे फाउंडेशन है. ठीक, तो अब ये वाला कौन सा कॉलम, ये वाले जो वर्टिकल मेंबर है इसको क्या नाम दे रहा हूँ मैं, कॉलम दे रहा हूँ. और ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं वो क्या होती है, हमारी बीम्स होती है. तो ये हमारा फ्रेम बनता है. ठीक है, ये कॉलम है, ये कॉलम. ठीक है, तो अब जो हमारा ये कॉलम है उसपे बेसिकली जो हमारा कॉलम है उस पे आते हैं हमारे एक्सियल लोड. ठीक है, एक्सियल लोड मैं इधर बना देता हूँ. ये जो हमारा कॉलम है इसके ऊपर आएगा हमारा एक्सियल लोड. ठीक है, वर्टिकली ग्रेविटेशनल डायरेक्शन में. ठीक है, अब ये एक्सिस जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही एक्सिस के अबाउट ही जाए, थोड़ा इधर भी सेंट्रिसिटी भी आती है. ठीक है, अभी समझने के लिए मैंने बिल्कुल एक्सिस के ऊपर ही माना है कि ये कॉलम की एक्सिस है और यहाँ पर अगर ऊपर से एक वर्टिकल लोड लगा रहा हूँ तब देखो ये कौन सा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, ये कंप्रेशन या टेंशन, कंप्रेशन है. ठीक है, तो एक रिएक्शन ऐसे भी आएगा, तो मैं ऐसे तरह डिनोट कर रहा हूँ. तो ये मेंबर कैसे, क्या हो रहा है, इस मेंबर में कंप्रेशन आ रहा है. अपन फर्स्ट क्लास में अपन ने बताया था कि ये कैसा फोर्स होता है, कंप्रेशन. ठीक है, तो ये किस मेंबर की तरह डिजाइन करेंगे हम, कंप्रेशन मेंबर की तरह डिजाइन करेंगे. ठीक है, वर्टिकल मेंबर्स कैरिंग द वर्टिकल लोड्स, लोडिंग्स एंड मूवमेंट्स एज डिजाइंड एज ए कंप्रेशन मेंबर. ठीक है, अपन जब RCC में पढ़ेंगे ना तो इसमें जब अपन कंप्रेशन मेंबर की डिजाइन करेंगे तब ये कॉलम्स आएगा हमारे पास. ठीक, तो कॉलम्स में क्या आता है, देखो कंप्रेशन आता है सबसे पहली बात, और कैसे आता है, एक्सियल लोड के कारण आता है. ठीक है, ये एक्सियल लोड लग रहा है इधर P. अब पहले तो लगा एक्सियल लोड, अब मान लो इधर आ जाओ, यहां देखो. ठीक, अब मान लो ये किसी इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, यहां इसकी एक्सिस पे नहीं लग रहा है, ये कुछ इसेंट्रिसिटी है E. ठीक है, तो ये P into E एक मोमेंट भी जनरेट कराएगा, बिल्कुल कराएगा. ये कैसे जनरेट कराएगा, देखो ये P, इस एक्सिस क्या होगी, कैसे जाएगा, यू जाएगा एक मोमेंट, एक इस डायरेक्शन में मोमेंट आएगा M, आएगा कि नहीं आएगा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, P into E. ठीक, तो बेसिकली हमारा जो, अब जैसे अब अगर ये P इसकी एक्सिस के अबाउट लगता तो ये मोमेंट जीरो हो जाता क्योंकि सेंट्रिसिटी कुछ नहीं आती. ठीक है, तो ये P into E एक मोमेंट जनरेट किया हमारा. तो बेसिकली हमारा ये जो अपने ऊपर लिखा हुआ है कि वर्टिकल मेंबर, पहली बात तो आई वर्टिकल मेंबर, उसके बाद कैरिंग दी वर्टिकल लोडिंग्स एंड यहां एक और मोमेंट भी आ जाएगा ऐसे कैसे भी. ठीक है, तो ये तो बात हुई कॉलम्स के ऊपर कैसे लोड आते हैं. अब कॉलम्स के अपन टाइप्स पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सीधा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ द कॉलम क्या, कैसे कैसे. अब ये जो हमारे कॉलम होते हैं वो बेसिकली इसकी लेंथ पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, ये जो टाइप्स है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, पहला शॉर्ट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम और अगला लॉन्ग कॉलम. ठीक है, अब अगर अलग अलग लेंथ है हमारी कॉलम की तो वो अलग अलग अपना जो फ्रैक्चर होगा या हमारी जो उसकी फेलियर वाला क्राइटेरिया होगा वो तीनों के लिए अलग अलग होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों होगा, क्योंकि लेंथ से
हमारा बहुत रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर जैसे अगर एक छोटा सा मैं ब्लॉक ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक कॉन्क्रीट का ब्लॉक मान लेते हैं, और उसके ऊपर मैं अगर फोर्स लगाता हूँ, कंप्रेशन फोर्स, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, टूटेगा ना, सीधा टूट जाएगा, क्रश हो जाएगा, ऐसे टुकड़ों में टूट जाएगा, ये क्या हुई, क्रशिंग हुई, क्योंकि ये वाली जो लेंथ थी वो कम थी। अब कितनी कम थी वो मैं आगे बताऊंगा, स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये लेंथ एल थी, तो ये क्या हुआ, एक भाई ये भी तो एक कंक्रीट का ब्लॉक है, ये भी तो कंक्रीट का ब्लॉक है, इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, एक सिंपल कंप्रेशन फोर्स लगा रहा हूँ एक्सियल डायरेक्शन में, तो ये क्या हुआ, टूट गया। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दूंगा, मैं क्रशिंग, ये क्रश हो गया। तो जो हमारे शॉर्ट कॉलम होते हैं, जो हमारे शॉर्ट कॉलम होते हैं वो फेल्स ड्यू टू क्रशिंग। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, खासकर राजस्थान जेई में तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट कॉलम फेल्स ड्यू टू क्रशिंग। ठीक, अब बात आएगी इंटरमीडिएट कॉलम की। अब इनकी ये जो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि शॉर्ट कॉलम कौन सा है, इंटरमीडिएट कॉलम कौन सा है, ठीक है, उसके जस्ट इसके बाद में आऊंगा कि वो कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सा कॉलम शॉर्ट है, कौन सा इंटरमीडिएट है और कौन सा लॉन्ग है। ठीक है, तो शॉर्ट कॉलम मैंने क्या बोला, जो भी शॉर्ट कॉलम होंगे हमारे कॉलम होंगे वो किसके कारण फेल होंगे, क्रशिंग के कारण। अब एक लेंथ आएगी, किसी लेंथ पर होगा वो इंटरमीडिएट कॉलम कहलाएगा, वो अभी आने वाला है उस डेट में। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कॉलम क्या होते हैं, इंटरमीडिएट कॉलम हमारे कॉम्बिनेशन के कारण बकलिंग फेल होते हैं, क्रशिंग और बकलिंग। अब ये बकलिंग नहीं क्या चीज आई, ये बकलिंग क्या चीज आई वो देखते हैं। ठीक है, देखो इसी कॉलम पे देखिए, अब क्या होता है, अब ये तो क्या था, मेरे को बताओ, एक छोटा सा लेंथ का था एक ब्लॉक, अब थोड़ी मैंने लेंथ बढ़ा दी, इससे बढ़ा दी लेंथ, ठीक है, इससे मैंने बढ़ा दी, और अब लगा रहा हूं पी लोड, पी लोड लगा रहा हूं, तो किसी कम, जब तक लोड की वैल्यू कम है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बकल जाएगा, ठीक है, ये मुड़ जाएगा। अगर मैं किसी, आप तुम सीधे अगर किसी तुम एक रॉड ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है, लोहे की या कुछ भी, और ऊपर से ऐसे कंप्रेस करो तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है ना, तो बस वो ये वही चीज है। तो ये वाला जो कॉलम है वो ऐसा कुछ शेप ले लेगा, ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे बकलिंग। क्लियर, तो जो हमारा इंटरमीडिएट कॉलम होगा, जैसे ही लोड बढ़ा वो क्रश भी हो जाएगा, ठीक है, तो फेल्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग एंड बकलिंग। अब जब लॉन्ग कॉलम की बात करूंगा, जब लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ बकल होगा, क्रश नहीं होगा, ठीक है, तो इसका जो फेलियर होगा वो ड्यू टू सिर्फ और सिर्फ बकलिंग होता है। क्लियर, ये भी ये सब जब अपन आरसीसी पढ़ेंगे ना, तो आरसीसी में वो क्रिपलिंग और वो सब सारी टर्म्स आएंगी, तो अभी वहां तक जाने की अपने को नीड नहीं है। ठीक है, अपने को बस अभी क्रशिंग और बकलिंग का डिफरेंस पता होना चाहिए बस। ओके, तो ये जो कर्व्ड कॉम्बिनेशन है ना, ये जो कर्व्ड शेप है इसको हम बोलेंगे बकल्ड शेप। ठीक है, कर्व्ड कॉन्फिगरेशन को ऑफ कॉलम को बोलूंगा मैं बकल्ड शेप, ये जो है ना बकल्ड शेप, ये वाला जो शेप है हमारा, ये बकल्ड शेप होता है, बकल्ड शेप। ठीक है, तो बताओ अभी तक अपन ने सिर्फ कितना देखा कि शॉर्ट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम और लॉन्ग कॉलम due to crushing and buckling and due to only buckling, long column। अब इनको differentiate कैसे करेंगे, कौन सा long है कौन सा short है, ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए, अभी तो मैंने बस नाम बता दिए। ठीक है, अब मैं उस पर आने वाला कि कैसे decide करें कि कौन सा column long है, कौन सा short है, कौन सा intermediate है। अब मैं ये हटा रहा हूं, देखो अपनी राजस्थान जीके भी स्टार्ट हो गई है, तो आप उसको भी फॉलो कीजिए, साथ साथ में जीके पढ़ते जाइए, क्योंकि टेक्निकल फिर कह रहा हूँ, टेक्निकल का पोर्शन आसान है, बहुत आसान है, हमारी रैंक सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा सिलेक्शन है वो जीके करवाएगा, सीधी बात है। ठीक है, आ जाओ, अब मैंने क्या बोला कि अब इन तीनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ कि कौन सा लॉन्ग है, कौन सा शॉर्ट है, कौन सा इंटरमीडिएट। ठीक है, तो एक टर्म आती है स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंप्रेशन मेंबर के लिए, स्लेंडरनेस रेशियो। ये क्या होता है, किसका रेशियो होता है,
ये होता है हमारा जो इफेक्टिव लेंथ होती है हमारे कॉलम की। अब इफेक्टिव लेंथ भी क्या होती है वो मैं बताने वाला हूं आगे। इफेक्टिव लेंथ होती है डिवाइडेड बाय जो हमारी एप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ गायरेशन या उसको मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन भी बोलते हैं। एल इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम और आर मिनिमम को बोलेंगे एप्रोप्रिएट। ये एग्जैक्ट वर्ड है एप्रोप्रिएट रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको अपन आर मिनिमम से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन बोलो चाहे गायरेशन बोलो तुम्हारे ऊपर है कुछ भी प्रोनाउंस करो ठीक। तो अब ये देखो अब ये जो शॉर्ट इंटरमीडिएट और लॉन्ग कॉलम है ना वो इसके ऊपर डिफाइन करेगा कि कितना रेशियो है ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि अगर 32 से कम है ये जनरल वैल्यू है 32 से कम है तो वो शॉर्ट कॉलम होता है। अगर 32 टू 120 है 120 तक है तो वो इंटरमीडिएट कॉलम है और अगर 120 से ज्यादा है तो क्या होगा लॉन्ग कॉलम। तो बताओ अगर जिस भी कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो 135 है तो कौन सी कैटेगरी का आ गया लॉन्ग कॉलम। अगर इसके बीच में है तो इंटरमीडिएट और इससे कम है तो शॉर्ट कॉलम। स्लेंडरनेस रेशियो एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम ये होता है ये डायरेक्ट इसके ऊपर भी आ जाएगा कि स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है। ये सब अब अपन सीधे जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पुट होता है यूलियर्स थ्योरी वो पढ़ने वाले ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है सीधे कि शॉर्ट कॉलम के लिए ऐसे सीन आया हुआ है एक बार कि शॉर्ट कॉलम के लिए हमारा जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो किस रेंज में होता है या किस कहां तक होता है ओके। सीधे यूलियर्स थ्योरी पे आते हैं। यूलियर्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है सीधा क्वेश्चन यूलियर्स थ्योरी से पूरा चैप्टर जो हमारा कॉलम्स वाला है ना वो यूलियर्स थ्योरी के ऊपर है जो सारा जो हमारा सारे क्वेश्चन कोई सा भी ऑब्जेक्टिव ले लो यहां तक कि गेट में भी यूलियर्स थ्योरी से क्वेश्चन आता है ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं यूलियर्स थ्योरी। अब यूलियर्स थ्योरी स्टार्ट करने से पहले है ना इसने कुछ अजम्पशन कोई भी थ्योरी होती है या कुछ भी होता है वो जो साइंटिस्ट होता है कुछ अजम्पशन मान के चलते हैं तो वो अजम्पशन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले अपन को थ्योरी पढ़ने से पहले अजम्पशन पढ़ने पड़ेंगे सीधी बात है। तो पहले हमें अजम्पशन देखने पड़ेंगे अजम्पशन से भी क्वेश्चन आते हैं कि ये इसका अजम्पशन या यूलियर्स थ्योरी का अजम्पशन है या नहीं पहला क्वेश्चन या है तो कौन सा है वो ठीक। तो पहला ये लॉन्ग कॉलम्स के लिए ही वैलिड है तो पहला तो सीधे सीधे आ गया जो अपन ने दो तीन कॉलम पढ़े थे उनमें से दो तो सीधे हट गए सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए ये तो ठीक। उसके बाद जो हमारा ईआई है ईआई क्या होता है याद करो फ्रैक्शनल रिजिडिटी वो यूनिफॉर्म इज यूनिफॉर्म मटेरियल आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मैं बता चुका हूं अच्छे से सारा। नेक्स्ट लोड जो है ना प्योरली एक्सियल है लोड इज अभी अपन बात कर रहे थे ना कि मोमेंट्स और लोड दोनों आते हैं तो अब सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लेंगे अपन यूनिट थ्योरी ओनली फॉर ओनली एक्सियल लोड ठीक है। अब मोमेंट का अब मान लो मोमेंट आ जाएंगे तो अपन यूनिट थ्योरी नहीं लगा पाएंगे इसको यूज तो करेंगे बट आगे कुछ और फॉर्मूला बनेगा बाद में देखेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा क्रिटिकल स्ट्रेस होता है क्रिटिकल स्ट्रेस ये अजम्पशन नहीं है वो डायरेक्ट निकल जाती है वैल्यूज ठीक है। ये अजम्पशन नहीं है ये क्रिटिकल स्ट्रेस आता है जो हमारा यूलियर्स थ्योरी से अभी अपन डेरिवेशन करेंगे इसका क्रिटिकल स्ट्रेस क्रिटिकल स्ट्रेस ये होता है पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर पाई कांस्टेंट ई यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस इलास्टिसिटी लैम्डा अभी बोला अपन ने क्या बताओ स्लेंडरनेस रेशियो ठीक है। तो ये हमारी क्रिटिकल स्ट्रेस होती है। अब जो यूलियर्स थ्योरी है ना ये जो यूलियर्स थ्योरी अब ये इसके ऊपर एक बताता हूं चीज उसके वहां तक ही डिफाइंड है
मतलब उस किसी वैल्यू लैम्डा की किसी मिनिमम वैल्यू से अगर ज्यादा है तो ही वो वैलिड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीधी बात है, ये किसके लिए है? लॉन्ग कॉलम के लिए ना। तो ये कर्व होता है, ये कर्व कहीं पूछेंगे नहीं बट फिर भी अपने को पता होना चाहिए। यहां पर तो हमारा लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा हमारा क्रिटिकल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस, और ये जो होता है हमारा एफ वाई होता है, ये हो जाएगा जीरो। अब लैम्डा को हम बढ़ा रहे हैं और क्या ये वाला, ये जो कर्व है ना, सिर्फ ये ऊपर वाला नहीं, ये यहां से इधर तक, ये आगे का हमारा ये ऐसे स्ट्रेस होगा तो ये वैलिड नहीं है, ये कांस्टेंट लेता है। अब ये जो वैल्यू लैम्डा है ना, इसके आगे अब ये वाली जो चीज है ना, ये आती है हमारी 80-100 के बीच में होता है, हर मटेरियल के लिए। अब सबके लिए अलग अलग होगा भाई, लैम्डा है ठीक है, तो लैम्डा अपन लेंथ बढ़ाएंगे या आर चेंज कर देंगे तो लैम्डा भी चेंज होता रहेगा, ठीक। और ये होता है एफ वाई, एफ वाई अपन ने देखा था यील्ड स्ट्रेस, मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस, ओके। तो अगर ये पीसीआर का कर्व है, अगर क्रिटिकल स्ट्रेस एफ वाई से कम है, क्रिटिकल स्ट्रेस जो है एफ वाई से कम है तो वो वैलिड नहीं है, जब उससे ज्यादा है मतलब उससे ज्यादा होगा तभी ये वैलिड करेगा, ये इस लैम्डा की वैल्यू मतलब ये लैम्डा इधर से आगे निकलेगा तो ही हमारा ये कर्व है, तब तक तो सिर्फ पीसीआर एफ वाई के बराबर ही है सीधे सीधे, क्योंकि ये वाला कर्व आ जाएगा सीधे, ठीक है। ये पीसीआर है ना, तो पहले वैसे तो कर्व यू बनता है, बट अभी ये यहाँ से लेके यहाँ तक एफ वाई वैल्यू लेगा, ये डैश 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 नहीं है कुछ, यहाँ से ये है कर्व अपना, तो ये अपने वैसा काम की चीज नहीं है। तो यूजर्स थ्योरी हमारी सीधे सीधे कह सकते हैं, जैसे वो अपन ने जब स्ट्रेस निकालो ना, यहाँ से स्ट्रेस निकालो पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा को वहां ले जाओ और अंडर रूट कर दो, तो कितना आ गया पाई स्क्वायर ई अपॉन ये आया। तो अब इस लैम्डा से कम पे हमारी यूजर्स थ्योरी डिफाइंड नहीं होती, इफ अप्लाइड नहीं होती। If lambda is less than pi square e upon PCR, Eulier's theory is not valid. Eulier's theory ये भी आ सकता है, is not valid. Okay? बस ये इतनी सी बात थी। अब सीधे अपन Eulier's theory पर बात करते हैं। अच्छा एक और चीज, अगर Fy है, if Fy 250 Newton per mm square होता है, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस हमारा माइल्ड स्टील का, और E 2×10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, तो जो लैम्डा मिनिमम आता है ना वो 88.89। अभी जब फिर बोलो कि सर लॉन्ग कॉलम तो 120 से ज्यादा होता नहीं, वो एक जनरल वैल्यूज थी, ठीक है। अगर 88 इसके लिए, इस केस के लिए लैम्डा मिनिमम 88.89 है, इसके बाद ही हमारा यूलर थ्योरी अप्लाई होगी कि अगर मेरा जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो इससे भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा कुछ एप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो अब सीधा अपन यूलर थ्योरी पर कहते हैं, ये फार्मूला आया कहां से, ये भी तो इंपॉर्टेंट है भाई हर केस के लिए। अभी अपन ने तो कॉलम्स के टाइप्स देखे, ठीक है, अभी कॉलम्स की सपोर्ट कंडीशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। सपोर्ट कंडीशन मतलब अभी देखते हैं, मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट कौन कौन से होते हैं, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट, ये तीन तरीके के देखे थे अपन ने जनरली, ठीक है। अब मान लो जो दोनों एंड्स हैं, अब कॉलम के दो एंड्स होंगे, एक अपर एक लोअर, जो डाउनवर्ड्स वाला और ऊपर वाला, दोनों वाले एंड्स क्या है, पहला मैं केस ले रहा हूँ, फर्स्ट ले रहा हूँ, दोनों पिंड जॉइंटेड है या कह सकते हैं हिंज्ड है, हिंज्ड बोथ एंड्स, बोथ एंड्स, यानी कि ये कैसे बनेगा फिगर इसका, देखो ये हमारा कॉलम है और इसको ले ले रहे यहाँ पर हिंज और यहाँ पर भी ले लेता है हिंज, ठीक है। अब यहाँ से अब जब ये दोनों हिंज होते हैं, अब ये अपन ने केस ले ली, ये केस ले ली और ये अपन ने ले लिया, ये स्टैंडर्ड केस होता है एल, जो हमारा पिंड और दोनों एंड्स जो होते हैं ना, पिंड होते हैं, इसको स्टैंडर्ड केस भी बोलते हैं, कभी कभी इसके ऊपर भी आ जाता है। स्टैंडर्ड केस के लिए हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, जो भी बनता है कुछ भी, ठीक। अब देखो, अब
इसको मैं बदलने वाला हूँ, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉलम था, ये हमारा हिंज सपोर्ट है दोनों साइड। अब मैंने क्या बोला था कि लॉन्ग कॉलम कैसे होते हैं, बकलिंग करते हैं। अब ये इतना होगा नहीं, जैसे हमने डिफ्लेक्शन में देखा था ना, इतना डिफ्लेक्शन आता नहीं, पर दिखाने के लिए इतना दिखाना पड़ता है। तो ये एक P, ये नीचे भी एक P, यहां से लेते हैं X और ये कुछ डिफ्लेक्शन आएगा Y, आएगा। देखो अब बताओ क्या होती है इक्वेशन डिफ्लेक्शन ऑफ, देखो अपन ने जस्ट अभी पढ़ा है EI d2y / dx square equals to minus m, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब m कितना आएगा देखो, देख के बताओ, इस सेक्शन पे p into y आएगा माइनस पी इंटू वाई। ये अब अपन ने माना है, ठीक है, ये पगल शेप माना है। अब ये कॉलम स्ट्रेट नहीं है, अब ये कॉलम ऐसे ही है, तो इस एक्सिस पे कितना लोड आएगा, पी इंटू वाई। अगर ये एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट होती तो कोई लोड, कोई मोमेंट लगता ही नहीं, कैसे लोड आता, क्योंकि एक्सियल लोड के कारण मोमेंट होता ही नहीं है। यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, पी इंटू एक्स कैसे होगा, एक्स बी सी डायरेक्शन में और पी बी सी डायरेक्शन में। तो इसको यहाँ ला के इंटीग्रेट करो इसको एक बार, कितना आएगा डी टू वाई बाई dx square equals to minus py upon ei, लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दो ei d2y by dx square plus p upon ei is equal to zero i, कर सकते हैं। तो ये एक differential equation बन गई, क्या बन गई, एक py है ना, एक differential equation बन गई। अब इस differential equation की क्या solution होगी बताओ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या सॉल्यूशन, अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है 12th क्लास में, है ना। तो वो एक अपन ओमेगा लेते हैं अंडर रूट, जो इसका वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो काम की चीज नहीं है, बस तुम्हें पता होनी चाहिए वो क्या आती है, y equals to a sin under root p upon ei, a sin under root p upon ei plus cos हो जाएगा b p, ये y है ना, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई जीरो होगा, ये तो जीरो हो गया साइन वाला कंपोनेंट, ये जीरो होने के लिए भी जीरो होगा, तो ये लो यहां से निकल गई कंडीशन v इक्वल टू जीरो। एक और कंडीशन क्या लगाएंगे कि at x इक्वल टू l y फिर जीरो आ जाएगा। अब x की वैल्यू l पे अगर y जीरो आ रहा है तो ये साइन के अंदर वाला कंपोनेंट किसके बराबर होगा, n पाई के कंपोनेंट होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये मैथमेटिक्स है, अगर आपको नहीं पता है तो सीधा याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, l इक्वल टू n। यहां से अगर n की वैल्यू 1 लेता हूं मैं तो मेरा सीधे सीधे क्या निकल के आ जाएगा, देखो p की वैल्यू, ये p अब लोड है, स्ट्रेस नहीं है, y square ei upon l square, ये क्रिटिकल लोड निकला है। अभी सीधे सीधे गड़बड़ यहां भी कर लेते हैं, मैंने जिससे पहले वो क्रिटिकल स्ट्रेस बताया था, ये क्रिटिकल लोड कैपिटल p क्रिटिकल लोड, क्योंकि अब क्रिटिकल स्ट्रेस अब निकालेंगे अपन इसके बाद, क्रिटिकल स्ट्रेस अभी जैसे अपन इसके बाद निकालेंगे, क्यों, क्योंकि लोड इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे बस, और क्या करना है, पी अपॉन ए ही तो करना है, स्ट्रेस आ जाएगा। तो स्ट्रेस कितना आया, वो लोड कितना आया, क्रिटिकल लोड है ये इसको यूलियस लोड भी बोलेंगे, अभी अभी अपन पढ़ेंगे रैंकाइंस, तो उसमें ये सीधा लेंगे पीसीआर, यूलियस लोड, ठीक है, या यूलियस क्रिटिकल लोड, एग्जैक्ट वर्ड ये क्रिटिकल लोड। ये क्रिटिकल लोड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू ली है, n की वैल्यू, n की बढ़ता जाएगा n, तो ये क्रिटिकल स्ट्रेस और आगे लोडिंग पे आता रहेगा, ठीक। तो ये कितना आया, पाई स्क्वायर ei अपॉन l स्क्वायर, ठीक। अब स्ट्रेस लाने के लिए क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूं एरिया से दोनों साइड, ये आ जाएगा मेरा क्रिटिकल स्ट्रेस, ये स्मॉल p p c r लिखते हैं, तो दोनों साइड अगर एरिया से डिवाइड कर दूं तो i by a, ये हो गया l square। अब जो मैंने बात बताई थी ना r minimum, उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट i अपॉन
ए ये एप्रोप्रिएट रेडियस ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला है, आप लिखना भूल गए थे, तो अंडर रूट आई बाई ए। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई अपॉन ए लिखा हुआ है, देखो देख के आई अपॉन ए नहीं लिखा हुआ, इधर ए है, अपने को नीचे अपना आर लाना है, आई नीचे लेके आओ, भले ऊपर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आर स्क्वायर बन जाएगा, इधर एल स्क्वायर बन जाएगा, अब आर को नीचे ले लेते, एक ही चीज है, देखो आई दा ए को सीधे आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो कितना आया वाई स्क्वायर ई अपॉन एल वाई आर का होल स्क्वायर। ये एल वाई आर क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो, अभी देखा था, यानी पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये आया हमारा जनरल केस, स्टैंडर्ड केस के लिए, किसके लिए, बोथ हेड बोथ एंड्स आर हिंज। अब देखो यहां जो मैंने ये एल ली है वो लेंथ इसी के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि इस केस में जो हमारी एल इफेक्टिव होती है ना वो एल के बराबर ही होती है, जो सपोर्ट्स के बीच की लेंथ है वही हमारी इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम होती है, सिर्फ और सिर्फ इसी केस के लिए, ठीक। अब आगे अपन दूसरे केस पढ़ेंगे ना, फिर ये इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि एल इफेक्टिव कैसे कैसे होती जाती है दूसरे दूसरे केसेस के लिए, ठीक। तो पहला अपन ने देखा कि क्रिटिकल लोड है, ये क्रिटिकल लोड है, और इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं क्या नाम दूंगा, क्रिटिकल स्ट्रेस, गड़बड़ मत करना, क्रिटिकल स्ट्रेस का ये फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और इसको होता है पाई स्क्वायर ई अपॉन एल स्क्वायर। अब सेकंड केस, नेक्स्ट केस देखेंगे अपन, क्यों सब अभी बस कॉलम तो हमारा वही चल रहा है, अब हम क्या चेंज कर रहे हैं, सपोर्ट चेंज कर रहे हैं, ताकि जो हमारी अलग अलग इफेक्टिव लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कितना कितना आ रहा है, ठीक है। अब हमें सब में डेरिवेशन नहीं करना, ठीक है, हमें हर केस में डेरिवेशन नहीं करना है, हमें एक डेरिवेशन देखा हमने, अब सारे फिर स्टैंडर्ड केसेस याद करेंगे और कुछ नहीं। सेकंड केस, अभी अपन ने क्या लिए थे, देखो दोनों कॉलम दोनों हैंड्स एंड्स क्या लिए थे, हिंज दिए थे, है ना। अब ऐसा करते हैं कि एक तो हिंज ले लेते हैं और एक फिक्स ले लेते हैं, वन एंड इज फिक्स्ड, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड, अदर इज हिंज्ड, ये सीधा आता है, ये चार जो अपन केस कर रहे हैं ना अभी, ये सीधे आएंगे इसी के ऊपर, अपने या तो एल इफेक्टिव पूछ लेगा या क्रिटिकल स्ट्रेस पूछ लेगा, क्रिटिकल लोड पूछ लेगा, यूलर स्टोरी के ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है। तो बताओ वन एंड अगर फिक्स्ड है तो कैसा बनेगा, नीचे देख के बताओ, ऐसे बनेगा, एक एंड तो हो गया फिक्स और एक हमारा हिंज। अब यहां देखो, अगर आपको डिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था, डिफ्लेक्शन अपन ने क्या देखा था, यहां पर क्या होता है, थीटा जीरो होता है, होता है, तो ये यहाँ पर कुछ स्लोप बन सकता है, नहीं बन सकता, तो ये कुछ ऐसे बनता है, इसका जो बकल शेप है ना वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। और अगर अच्छे से बनाओ इसको और थोड़ा पास में रखे, यार ये जो थीटा है ना यहाँ पर थीटा नहीं दिखना चाहिए कुछ, ये ठीक, यहाँ पर ये जो थीटा है यहाँ पर हमें थीटा जीरो, ये थीटा हमें जीरो ही दिखता है। अब ये जो ये पॉइंट ऑफ यहाँ पर यहाँ से क्या हुआ, कर्वेचर चेंज हुआ, ये कर्वेचर, ये जो चीज है ना ये एल इफेक्टिव कहलाएगी हमारी इस केस में, ये एल इफेक्टिव होगी जहाँ पे कर्वेचर चेंज हो रहा है ना जहाँ से, और यहाँ पर ये सेम है क्योंकि यहाँ से बकल्ड हुआ और यहाँ पे कर्वेचर चेंज हो गया, इसको यहाँ पे थीटा जीरो करवाना है, तो ये पूरी जो लेंथ होती है वो तो एल थी, वो तो एल थी, इस केस में एल इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है हमारे पास एल बाई रूट टू हो जाती है, L by root 2, L effective, तो जितनी कॉलम की लेंथ है उसको डिवाइडेड बाय रूट 2, किस केस के लिए, जब अगर एक हैंड हिंज दो और एक हैंड फिक्स दो, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर एक P, इधर एक P, यहाँ एक M आएगा कि नहीं आएगा, अब अपन को कोई लेना देना नहीं है, अब अपन सीधे सीधे क्रिटिकल स्ट्रेस अपन ने क्या देखा था जनरल केस के लिए, देखते बताओ पाई स्क्वायर ई आई अपॉन लैम्डा स्क्वायर देखा था, क्रिटिकल स्ट्रेस, ये क्रिटिकल स्ट्रेस, अब लैम्डा की जगह यहां पे क्या रखना है, एल बाई आर पाई स्क्वायर ई एल बाई आर का होल स्क्वायर था ना, तो अब इसकी एल की जगह क्या रखूंगा, एल बाई रूट टू रखूंगा, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल बाई रूट टू आर और होल स्क्वायर कर दो,
ये जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक, तो क्वेश्चन आ गया कि क्रिटिकल स्ट्रेस हमारा किसके लिए, अगर एक एंड फिक्स्ड हो और एक एंड हिंज हो तो कितना आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। और पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर किसका था, जनरल केस के लिए था, स्टैंडर्ड केस जब दोनों एंड्स हिंज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट केस अपन दोनों एंड अगर फिक्स देखते हैं, अभी अपन ने क्या लिया एक एंड हिंज और एक एंड फिक्स्ड, अब दोनों एंड अगर फिक्स ले लेते हैं, अब फिक्स्ड का मतलब देखो फिर अब ये बार बार चीजें बताऊंगा, फिक्स्ड एंड में रोटेशन भी अलाउड नहीं होता और ट्रांसलेशन भी अलाउड नहीं होता। हिंज में क्या होता है, रोटेशन अलाउड होता है, ट्रांसलेशन नॉट अलाउड। रोलर में क्या होगा, दोनों अलाउड। अब आ जाओ, रोलर सपोर्ट अपन नहीं लेते हैं, कॉलम्स में रोलर सपोर्ट नहीं लेंगे, सिर्फ हिंज और फिक्स्ड ही लेते हैं या फ्री। अब आ जाओ, दोनों एंड फिक्स्ड, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। ठीक है, अब दोनों एंड अगर फिक्स्ड हो गए हमारे कॉलम के तो ऊपर भी और नीचे भी। ठीक, अब इसका बबल शेप कैसे बनेगा देखते हैं, मतलब यहां पर भी जीरो बनेगा, इधर भी, फिर यहां पे आके फिर जीरो बनेगा ना, इसको तो थोड़ा सा ये मार्कर ऐसे चल जाता है तो गलतियां हो जाती है। ये यूं इसके बिल्कुल एक ही जाएगा, यहां पे स्लोप जीरो रहता है एक ही, इसको मिला दो दोनों। अब यहां देखो ये जो लेंथ आएगी ना, यहां पर भी कर्वेचर चेंज, यहां पर भी कर्वेचर चेंज, अब इसकी लेंथ और कम हो जाएगी l इफेक्टिव, और वो क्या लाएगी l बाई 2 हमारे दोनों एंड अगर फिक्स्ड हो। ठीक है, इसका कितना बन जाएगा हमारा क्रिटिकल स्ट्रेस का फार्मूला देख के बताओ, पाई स्क्वायर e अपॉन, अब यहां पर क्या होता l बाई 2 था तो ऊपर चला जाएगा 4, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, अब 2 का स्क्वायर ऊपर 4 चला जाएगा और लैम्डा स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये अपने को सीधे ध्यान रखने, अब इसमें अपने को ज्यादा मगजमारी नहीं करनी, सीधे सीधे देखना है कि बोथ एंड अगर फिक्स्ड होंगे तो एल इफेक्टिव एल बाई 2 और जो क्रिटिकल स्ट्रेस है वो 4 पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो लैम्डा, अब ये जनरल था, ये जनरल स्टैंडर्ड केस के लिए था, इसके लिए अपन ये लेंगे। अब अगर तुम एग्जैक्ट लिखना चाहो तो ये आएगा 4 पाई स्क्वायर ई एल बाई आर का होल स्क्वायर। यहाँ L L इफेक्टिव है, ये वाली लेंथ L इफेक्टिव है। ठीक है, अब अगर एक एंड फिक्स्ड और एक एंड फ्री ले ले तो चार केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा हो चुका है, ये लास्ट केस है, चारों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक एंड फिक्स्ड हो जाए हमारा, एक एंड अगर फिक्स्ड हो जाए तो देखो इसका शेप कैसा बनेगा, इसका शेप ऐसा बनेगा, यहाँ से तो ये फिक्स रहेगा, कैंटिलीवर है और क्या है, और ये यहाँ पर रहता है फिक्स हो जाएगा। अब इसका शेप कैसे निकालूं, इसकी लेंथ कैसे निकालूं, अगर ये लेंथ L थी तो L इफेक्टिव कैसे निकालूं। ठीक, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो यहाँ तक, तो ये बताओ ये वाला कौन सा केस बन गया, स्टैंडर्ड वाला केस ही बन गया था ना, तो यहाँ पर भी एक लेंथ और L आ जाएगी नीचे, तो यहाँ इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है ना वो 2L होती है। कभी भी नहीं भूलोगे अगर ये शेप से ध्यान रखोगे ना, तो कभी भी अपने को L by 2, L by root 2 से समझ में, हमेशा अपन भूल जाते हैं कि L by 2 था या 2L था। ठीक है, ये किसके लिए है, one end fixed and other is free end का मतलब समझ गए ना, सब कुछ allowed, rotation भी allowed, translation भी allowed, free, और यहाँ पर सब कुछ restrained, rotation भी restrained और क्या होगा, ट्रांसलेशन तो आ ही नहीं सकता, कुछ फिक्स्ड है, तो ये लेंथ कंप्लीट पूरी इफेक्टिव लेंथ होगी हमारे कॉलम की, जो कि किसकी गारंटी रहेगी, 2L, L तो सिर्फ ये थी, कॉलम की लेंथ तो L है, इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी 2L। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा क्रिटिकल स्ट्रेस का, सीधे पाई स्क्वायर e, यहां कितना हो जाएगा 2L / r हो जाएगा, तो इसको कर दो तो कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर e, नीचे 4 आ जाएगा इस बार, कौन ये तो है r स्क्वायर l / r का होल स्क्वायर।
अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि अगर स्टैंडर्ड केस के लिए क्रिटिकल स्ट्रेस पी है तो इसके लिए बताओ कितना आएगा, बताओ पी बाई फोर। अगर इसके लिए पी है तो फिक्स्ड के लिए बताओ। ऐसे वेरिएशन चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी अब यूजेट थ्योरी खत्म होती है। अभी क्या था, क्योंकि यूजेट थ्योरी सिर्फ और सिर्फ अपने लॉन्ग कॉलम के लिए चल रहे थे। भाई आपने हमेशा अपन सिर्फ लॉन्ग कॉलम थोड़ी डिजाइन करेंगे, छोटे कॉलम भी डिजाइन होते हैं, इंटरमीडिएट कॉलम भी डिजाइन होते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा वो अभी देखने वाले हैं, रैंकाइन फॉर्मूला आता है, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ क्रिटिकल स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री पे, एल अपॉन आर और ई पर, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अगर मान लो मैं मटीरियल चेंज कर दू, मटीरियल चेंज कर दू और ई सेम रख, ऐसा कुछ करूं कि ये वैल्यू सेम है, तो क्या हर मटीरियल के लिए क्रिटिकल स्ट्रेस एक ही आएगा? क्योंकि अभी ये मटीरियल पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। क्यों, स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, माइल्ड स्टील की भी उतनी होती है, अपने उसकी भी उतनी होती है, कास्ट आयरन की भी उतनी होती है, सबके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो लगभग सेम होती है, 2×10⁵ स्टील के लिए। बट अगर उनके लिए लूंगा तो क्या क्रिटिकल स्ट्रेस सेम आना चाहिए? क्यों, अपन ने अजम्पशन ले रखा था कि क्यों ये क्रिटिकल स्ट्रेस जो है वो ये होता है, बट हमेशा ये नहीं आएगा। रियल में अपन क्या चेंज करते हैं, मटेरियल भी चेंज करते हैं, तो उसके लिए अलग आना चाहिए। तो अब हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, रैंकाइन फॉर्मूला पढ़ेंगे जो सबके लिए वैलिड, सबके लिए मतलब सबके लिए, छोटे से छोटा कॉलम, बड़े से बड़ा कॉलम। रैंकाइन थ्योरी पे भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूजेट से, आजकल लेवल अच्छा होता जा रहा है दिन ब दिन, ठीक है। तो अपने को रैंकाइन भी पढ़ना पड़ेगा, रैंकाइन फॉर्मूला, ओके। अब सबसे पहली बात, रैंकाइन फॉर्मूला वेरी शॉर्ट से लेके वेरी लॉन्ग वाला, सबके लिए वैलिड, वेरी शॉर्ट टू वेरी लॉन्ग, सबके लिए। कुछ किसी के भी कोई सा भी हमारा आ जाए, हम रैंकाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब रैंकाइन फॉर्मूला ये होता है, 1/PE = 1/PCR + 1/PE, PCR बोलो, PE बोल दो, PC + 1/PE, ये भी लोड है। PE क्या होगा, यूलियस लोड या यूलियस क्रिटिकल लोड, एक ही बात है, यूलियस लोड। और ये जो PC है ना, वो क्रशिंग लोड है, कि वो कॉलम किस वैल्यू पे क्रश हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो स्ट्रेस है, क्रशिंग स्ट्रेस इनटू उसका एरिया, ठीक है, यूलियस लोड। इसको वो कर लो एलसीएम लेके, तो आंसर कितना निकल जाएगा सीधे सीधे, पीई इनटू पीसी अपॉन पीसी प्लस पीई, ठीक है। तो यहां देखो, अब इसको अपन और निकालते हैं, इलैबोरेट करते हैं। जनरल फॉर्मूला तो हमारा रैंकाइन का फॉर्मूला ये होता है, 1/P = 1/PC + 1/PE, PE होता है यूलियस लोड, PCR होता है क्रशिंग लोड, FC into A, ये FC क्या है हमारा, क्रशिंग स्ट्रेस, ओके। आ जाओ, अब इसको थोड़ा और इलेबरेट करते हैं इस फॉर्मूले को, क्योंकि मेन हमारा काम अब जनरल फॉर्मूले से नहीं है, जो फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं उससे काम आएगा हमारा रैंकाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ अपन ने क्या देखा था, अभी पी जो हमारा लोड है वो आएगा कितना, पीसी इंटू पीई पीसी प्लस पी, ठीक है, पीई से डिवाइड कर दो, क्या बना यहाँ पर, पीसी पीसी अपॉन पीई प्लस वन बना। पीसी को मैं एफसी इंटू ए लिख सकता हूँ, 1 + PC की जगह वापस FC into A, PE क्या है, अभी अपन निकाल चुके थे PE कितना था, ये लोड है पर क्रिटिकल स्ट्रेस नहीं चल रहा है, यहाँ पर लोड चल रहा है, तो लोड कितना था बताओ, I² EI / L² था लोड। ये क्रिटिकल लोड है ना, कि अभी अपन जो बात कर रहे थे वो क्रिटिकल स्ट्रेसेस की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, इधर PE की वैल्यू रख देंगे I² EI, देखो I² EI / L² L ऊपर चला गया, इसको भी चलो, मुझे यही रखो, एक ही बात है, L² तो भी करो, ठीक। अब देखो ये क्या बन रहा है, लैम्डा स्क्वायर दिख रहा है मेरे को कहीं पर, ये I / A दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है,
आई बाई ए आर स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, बचा क्या एफ सी इंटू ए वन प्लस एफ सी इंटू यहाँ लैम्डा स्क्वायर बन रहा, देखो अपॉन पाई स्क्वायर बन रहा है, ये कितना है हमारा रैंकाइन स्क्वायर जो मैं बोल रहा। अब ये जो एफ सी और पाई स्क्वायर ये है ना, इसको एक कांस्टेंट दे देते हैं अपन, इसको अपन कांस्टेंट दे देते हैं ए, ये जो है ना एफ सी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट सब कांस्टेंट है, इसको मैंने ए से डिनोट कर दिया, ये जो ए है ना वो रैंकाइन कांस्टेंट होता है, रैंकाइन कांस्टेंट। ये हर मटेरियल के लिए देखो अलग हो गया, क्यों हो गया अलग, क्योंकि हर मटेरियल का एफ सी अलग होगा, अब एफ सी माइल्ड स्टील का अलग होगा और अगर आकाश का रंग अलग होगा, इसलिए ये रैंकाइन कांस्टेंट अलग है, तो इसीलिए अब हर किसी के लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग आएंगे लोग, क्योंकि यूलियट्स थ्योरी पे तो सिर्फ अपना बहुत बड़ा विवाद है ना, क्यों है, क्योंकि उसने मटेरियल का तो लिया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाई स्क्वायर या अपन लैम्डा स्क्वायर छोड़ दिया, अगर मैं सब कुछ सेम 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 लगा लूं तो क्या सबका सेम आएगा, फिर रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो यहाँ बात है, तो इसको मैं यहाँ ऐसे कर सकता हूँ एफ सी इंटू ए वन प्लस ए लैम्डा स्क्वायर, और ए से डिवाइड कर दूं तो स्ट्रेस निकल जाएगा, अपना ये हमारा फॉर्मूला बन गया रैंकाइन का, यही हमारा फॉर्मूला है। अब ए किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो ई पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ नहीं पूछा उसने, अलग अलग मटेरियल दे दिए कास्ट आयरन स्टील जो भी और रॉट आयरन फलाना, और बोलेगा कि किसके लिए लोड ज्यादा होगा या किसके लिए लोड कम होगा, तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ अगर सेम है तो सारा खेल किसके ऊपर है, ए के ऊपर है, अगर ए अगर एक सबसे ज्यादा होगा तो पी कितना हो जाएगा सबसे कम, सीधी बात है, ये क्वेश्चन है, अब जब अपन क्वेश्चन सीरीज करेंगे ना तो ये वाला क्वेश्चन अपन जरूर लेंगे कि किस पर, अभी हम ये फिर और ए किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो ए कुल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक आवाज, तो ये आप सब ने देखा लैम्डा स्क्वायर को अपन एल अपॉन आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और होता है, अगर अभी तक अपन ने देखो यूनिट थ्योरी में अपन ने क्या लिया था, एक्सियल लोड लिया था, अब अगर इसेंट्रिक लोड आ जाए तो इसेंट्रिक लोड मतलब अगर एक मोमेंट भी रोल प्ले करता है तो वो कौन सा फॉर्मूला कहलाता है हमारा, वो हमारा सेकंड फॉर्मूला होगा, सेकंड फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है वो काम की भी चीज नहीं है, बट अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट बस फॉर्मूला याद करना और कुछ याद नहीं करना, देखो अपन का जितना है कि अपन को सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे यूलियट्स थ्योरी है, ये रैंकाइन फॉर्मूले पे आएगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके एक बस एक इसेंट्रिक वाला फॉर्मूला देख लो, बाकी अपना कॉलम कंप्लीट, और छोटा ही टॉपिक था बिल्कुल, और ये खास फिक्स्ड है, कोई सा भी एग्जाम उठा लो कॉलम से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% क्वेश्चन आते हैं कॉलम से, भले कोई सा भी क्वेश्चन कोई सा भी पेपर हो कॉलम से क्वेश्चन आएगा ही, और खासकर यूलियट्स थ्योरी पर आना ही आना है ना, कॉलम अंडर इसेंट्रिक लोडिंग की बात करता हूँ, लॉन्ग कॉलम अंडर इसेंट्रिक लोडिंग, राजस्थान जेल में तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसके ऊपर कुछ भी नहीं पूछेंगे वो, एसएससी में क्या पता आ जाए, ठीक है, तो देखो अगर ये हमारा मान लो कॉलम है, ये कॉलम है, ये है हमारी एक्सियल एक्स, अब लोड जो हमारा लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, तो ये इसेंट्रिसिटी ई होगी, होगी ना, तो बताओ यहाँ पर एक मोमेंट डेवलप होगा इस डायरेक्शन में, ऐसे ये ऐसे आएगा, ठीक है, एम इक्वल्स टू पी इनटू ई होगा, अब ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, मैं सिर्फ इसकी एक्सिस बना रहा हूँ, ये वाली और कुछ नहीं बना रहा, ये वाली एक्सिस थी ना वो ऐसे बकल करेगी, और ये वाई मैक्स होता है, वाई मैक्स का क्वेश्चन आता है, ये y इसका मैक्सिमम कितना, ये शेप में कितना ये मैक्सिमम बकल हो सकता है, ठीक है, सिर्फ इसेंट्रिक के केस में, तो ये आ जाएगा हमारा e sec pi by 2 e into sec pi by 2 under root ppcr minus 1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी y max, ये e क्या है इसेंट्रिसिटी, sec तो पता ही है, pi by 2 पता ही है, p upon pcr निकाल सकते हैं minus, और ये पी कैसे निकलेगा, रैंकाइन फॉर्मूला हमारा है ये पी, और पीसीआर तो यूलियट लोड है, ओके ठीक है सही, और सिग्मा मैक्स भी बस यही हमारा इंपॉर्टेंट है, ये ई वाई मैक्स कितना होगा, ओके अच्छा,
एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चन आया हुआ है, और कुछ नहीं है, बस नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर हमारा चैप्टर बिल्कुल खत्म होता है। कॉलम्स बहुत आसान टॉपिक था। क्वेश्चन आता है कि हमारा स्लेंडरनेस रेशियो जीरो कब हो सकता है, स्लेंडरनेस रेशियो जीरो कब हो सकता है, स्लेंडरनेस रेशियो जीरो कब हो सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन आ सकता है, आगे भी आ सकता है क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी अपन ने देखे थे जनरल केसेस, देखो अपन जनरल केसेस देखे थे, सारे केसेस अभी देखे थे अपन ने, कौन कौन से, यहाँ पर मैंने चारों केस बना रहा हूँ फाइनल, एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ काम आएगा, ये चारों कॉलम बना रहा हूँ और ये लेंथ से भी तुम्हें एक्यूरेट ध्यान में आ जाएगा, ठीक। और यहाँ मैं बना देता हूँ एक इंच और यहाँ बना देता हूँ मैं एक फिक्स्ड। दूसरा ये पढ़ा था, तीसरा क्या पढ़ा था, दोनों फिक्स पड़े थे। और चौथा क्या पढ़ा था, एक फिक्स्ड एक इंच पढ़ा था, ओह सॉरी एक फिक्स्ड और एक फ्री पढ़ा था, ये ऐसे दिखा रहा था मैं, ठीक। तो इसका बगल शेप कैसे आया था, देखो ऐसे आया था, ये एल इफेक्टिव इक्वल्स टू एल थी, ठीक है दीदी। इसकी देखो, इसकी यहां से तो यूं जाएगा और यहां से ये यूं हो गया, तो ये हमारी क्या हुई, एल इफेक्टिव किसके बराबर, एल बाई रूट के बराबर, टू रूट टू के बराबर। यहां कैसे बनती थी, ये आई हमारी एल इफेक्टिव और ये किसके बराबर, एल बाई टू के बराबर, ठीक है दीदी। और यहां ये ऐसे बनता था और नीचे भी ये, ठीक। तो यहां पे एल इफेक्टिव कितनी थी, 2L, ठीक है दीदी, ये फ्री एंड। ये चार केसेस अपन ने देखे थे। अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे सबकी एल एल कुछ है। अब मैंने बोला कि मेरे को चाहिए भाई साहब लैम्डा जीरो, स्लेंडरनेस रेशियो जीरो चाहिए, तो किस केस में स्लेंडरनेस रेशियो जीरो आएगी या आई नहीं सकती, या आएगी तो कैसे आएगी, इन चारों में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब में लेंथ आ रही है और रेडियस ऑफ डायरेक्शन तो अंडर रूट आई बाय के, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो तो आनी है, आर जीरो नहीं हो सकता और एल भी जीरो नहीं हो सकता, तो भैया कैसे जीरो आएगी मेरे को बताओ। यहाँ क्या केस है, लैम्डा क्या है, देखो लैम्डा क्या है, L effective है ना, L effective upon R value, L तो zero नहीं हो सकती, column की length तो zero नहीं हो सकती, पर L effective जरूर zero हो सकती है। L effective किस case में zero आएगी, जब ये column throughout the length अपनी क्या हो, supported हो, यानी ये column पूरा ही fixed हो, ऐसे, ये possible है, अगर है, तो lambda zero आ जाएगा, यानी कि ये throughout the length कह सकता हूँ मैं, अगर if column is throughout supported, if column is throughout supported, तब क्या होगा, हमारी L effective zero हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो ये fixed होता जा रही है, जैसे जैसे fixed होता जाएगा ये pass 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 और एक point पे आके zero हो जाएंगे, कब होंगे, जब ये पूरा का पूरा ही length क्या हो, supported हो fixed joints, ठीक। तो ये question आया हुआ है कि lambda zero कब होगा, जब हमारा column क्या हो, throughout fixed हो, कोई अब ये क्योंकि ये लेंथ तो है खाली, सिर्फ और सिर्फ दो जगह ही सपोर्टेड है, अगर वो पूरा ही लेंथ में सपोर्टेड हो जाएगी तो हमारी लैम्डा कितना जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी में भी आया हुआ है और राजस्थान जेई में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा कॉलम चैप्टर कंप्लीट होता है, हम इसके क्वेश्चन आगे करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जीके स्टार्ट हो चुकी है, देखो कमर कस लो, अच्छे से पढ़ाई करनी है हमें, सिलेक्शन करवाना ही करवाना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेट 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इंटीग्रेटेड।